हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह का सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आया है, 75% उपस्थिति जो था वो अनिवार्यता अब खत्म कर दिया गया है। इस न्यूज के बारे में बात करेंगे, ये पेपर में दिया गया है, तो क्या यह सच है या फिर गलत है, क्या इस वर्ष का है या अगले वर्ष का है। तो 2024 में जितने भी लोग परीक्षा देने वाले हैं, जितने भी विद्यार्थी, उन सभी के लिए आप लोग को बताया गया था कि 75% अगर उपस्थिति होगा तभी जाके आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, तभी आप बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन आप लोग को बता दें, 2024 में यदि आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसके लिए ये अब जो है खत्म कर दिया गया है। हालांकि 2025 के लिए 75% जो है अनिवार्य ही रहेगा, लेकिन इस बार के लिए इसे समाप्त कर दिया गया है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, क्या कहते हैं DEO, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैट्रिक तथा इंटर परीक्षा 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वंचित छात्र छात्राओं को फॉर्म भरने का मौका मिला है। जो छात्र अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे थे वो भी भर पाएंगे। हालांकि वर्ष 2025 में स्पष्ट यहाँ पे बता दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्यता रहेगी। बहुत ही बड़ी खबर है इस समय की, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो 2025 में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनके लिए 75% अनिवार्य रहेगा, लेकिन 2024 में अर्थात इस बार जो परीक्षा देंगे उनके लिए यह अनिवार्यता जो खत्म कर दिया गया है। साथ ही जो आपको फायदा मिलता था, रुपया पैसा जो दिया जाता था, वो भी आपको मिलेगा इस बार, ठीक है, 24 वाले विद्यार्थी को। लेकिन 25 का अगर स्टूडेंट है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपको 25 के स्टूडेंट है, अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको विद्यालय जाना चाहिए। साथ ही आप इस न्यूज़ को अलग भी शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं उसको भी जानकारी मिल जाएगा, वो भी समझ जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही और सच जानकारी है, ये बिल्कुल कहीं से भी फेक जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से देखने के बाद बहुत कुछ नॉलेज मिल गया होगा।